हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर इंसान किसी न किसी प्रोफेशन को चूज़ करता है अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। पर कुछ ही लोग ऐसे क्यों होते हैं कि हर प्रोफेशन में वो अच्छी इनकम करते हैं, ज़्यादा इनकम करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो उस फील्ड के प्रोफेशनल होते हैं। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक झोला छाप डॉक्टर तो दूसरे कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, बट दोनों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह हर फील्ड में ऐसे लोग होते ही होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ प्रोफेशनली अपने कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते हैं, कुछ अपने स्टेट के लिए क्रिकेट खेलते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, आपके पास पैसे अच्छे होंगे। प्रोफेशनल आखिर होता क्या है इसको समझते हैं। बहुत सारे लोग हर चीज़ को तो चूज़ कर लेते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, बट कुछ ही लोग प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रोफेशनल लॉयर, प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन पाते हैं। कहने के लिए डॉक्टर बन जाते हैं, कहने के लिए लॉयर बन जाते हैं, बट वो टॉप लेवल तक नहीं जा पाते। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने फील्ड के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अपने फील्ड के टॉप लेवल के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपको 10,000 घंटे का रूल जो है वो फॉलो करना होगा। 10,000 घंटे का रूल क्या है उसको समझते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों पे जाना चाह रहे हो, तो आपको किसी भी एक स्किल्स को 10,000 आवर्स प्रैक्टिस करनी है। कुछ ही लोग क्यों बेस्ट क्रिकेटर बने, कुछ ही लोग क्यों बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर बने, कुछ ही लोग क्यों बेस्ट बिजनेसमैन बने, कुछ ही लोग क्यों बेस्ट वॉलीबॉल खेलने वाले बने, ये सब कुछ के पीछे एक सीक्रेट है 10,000 घंटे का। माय डियर फ्रेंड, ये 10,000 घंटे का जो रूल है, ये सुन करके, बुक्स में पढ़ करके दिमाग खराब हो जाता है। और जो लोग क्विट कर जाते हैं वो लोग कभी भी 10,000 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं पाते। अगर आप किसी भी एक स्किल्स को 10,000 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप उस फील्ड में प्रोफेशनल हो जाते हैं। उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, आपकी भी ज़िंदगी में आएगा। अगर आपने 10,000 घंटे किसी भी एक स्किल्स को दी है, उतार चढ़ाव आएंगे। अगर आप ऊपर गए हैं तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, और अगर आप नीचे आए तो आप कभी हार नहीं मानेंगे, वहीं से एक नई शुरुआत करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको आपके फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको 10,000 आवर्स को कंप्लीट करना होगा अपने स्किल्स के साथ में। और ये स्किल्स, ये प्रैक्टिस तभी आपकी कंप्लीट होगी 10,000 घंटे की, जब आप गिव अप नहीं करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने किसी भी चीज़ की शुरुआत की है, किसी फील्ड की भी शुरुआत की है, तो 10,000 घंटे कंप्लीट करिए और उस फील्ड में आप एक प्रोफेशनल बनिए। सो एस्पेशली इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम ए प्रोफेशनल, सो डू प्रैक्टिस 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स give you a lot of revenue, lot of knowledge, lot of experience. So in this last, thank you so very much. Wish you wealth.